लेकिन पिछले 10 साल में उन्होंने जितने भी वादे किए, अच्छे दिन आ जाएंगे तो आज जनता कहती है मेरे बुरे दिन लौटा दो। पेट्रोल और डीजल 62 रुपए का, 64 रुपए का मिले, हमारा गैस सिलेंडर 500 रुपए, 600 रुपए का मिले, रोजगार नौकरी की कमी नहीं हो। ये लोग चाहते हैं कि एक नया कानून बने जिसमें वो नागपुर की पॉलिसी और प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर सके। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज कलवाही के दौरे पर हैं मोहम्मद अली अशरफ फातमी और लगातार तेज धूप में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। एक मिशन है और लगातार इन्होंने मधुबनी क्षेत्र का दौरा किया है। एक एक सवाल है कि सामने लोग कहते हैं कि संविधान बचाओ, लेकिन विपक्ष आपका संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उधर कहने कि कोई संविधान से छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता, ये राहुल गांधी तेजस्वी यादव झूठ बल के वोट लपा रहे। देखो, पहले आपका स्वागत है और दरभंगा के चैनल आप मधुबनी में घूम रहे हैं, आपका मधुबनी की धरती पर हम लोग स्वागत करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लो कि मधुबनी कम्युनिस्ट की धरती भी रही है, कांग्रेस की धरती भी रही है और राजद के लोग भी यहाँ काफ़ी स्ट्रांग हैं। तो इस दफा का चुनाव बिल्कुल अलग है। यहाँ कांग्रेस पार्टी, वाम दल के सभी, CPI, CPM, माले बहुत मजबूत है यहाँ, और VIP सनमल्ला मुकेश सहनी की पार्टी भी यहाँ बहुत मजबूत है, और राजद, ये सब मिल करके ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कोई अली अशरफ आदमी कोई मैटर नहीं करता, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस वक्त समूह में चुनाव हो रहा है, ये सब मिलजुल करके चुनाव लड़ रहे हैं, सभी अपने जगह पे फातमी है। जब पूछो तो पहले तो ये समझ लो कि ये चुनाव बिल्कुल अलग है, और आप देख लो किस तरह से महिलाएं, किस तरह से इनोसेंट लोग सब आ रहे हैं और हम लोगों का स्वागत कर रहे हैं। ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, ना नुक्कड़ सभा है, ये समझ लो कहीं माइक लगा हुआ है, जनसंपर्क, जनसंपर्क में देख लो, ये मोहब्बत, ये प्यार, जहाँ जाओगे इसी तरह से पाओगे। यही मेरी बात सुनो, अब मुद्दों पे आओ। भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट नहीं देना चाह रहे, मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि हर इलेक्शन का कोई ना कोई एजेंडा होता, पक्ष भी जो सरकार में होते हैं वो भी अपना मुद्दा तय करते हैं, और जो विपक्ष में होती है पार्टियां वो भी मुद्दा तय करता है। तो आपको मैं धीरे धीरे बैक ले चलूं, तो पिछला मुद्दा पुलवामा हो गया, मोदी जी ने क्रिएट किया, जो कि उस वक्त भी हार रही थी BJP। 2014 में अच्छे दिन याद कीजिए, लेकिन पिछले 10 साल में उन्होंने जितने भी वादे किए, अच्छे दिन आ जाएंगे, तो आज जनता कहती है मेरे बुरे दिन लौटा दो, ताकि हमें पेट्रोल और डीजल 62 रुपए का, 64 रुपए का मिले, हमारा गैस सिलेंडर 500 रुपए, 600 रुपए का मिले, रोजगार नौकरी की कमी नहीं हो। इनके जितने भी वादे, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख अकाउंट में, 100 स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, देश की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, कितने 100 किलोमीटर में चीन घुस गया, आप देशभक्त के रहते हुए, तो कोई भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ। और आज जो उन्होंने नैरेटिव बनाना चाहा, और वो नैरेटिव मालूम है आपका, वो फेल हो गया। साउथ से लेकर नॉर्थ तक उनका एजेंडा चल नहीं पाया, और हम लोगों ने जो एजेंडा तय किया, जो इंडिया गठबंधन ने एजेंडा तय किया है, उसको लोगों ने मान लिया है और उस पर चल रही है जनता। जैसे हमने कहा है कि 1 करोड़
लोगों को नौकरी देंगे। मान रही है जनता, ताली बजाती है कि हाँ तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे दी बिहार के अंदर। जबकि आपको याद होगा नीतीश जी क्या कहते थे, बाप के घर से लाके देगा, तो बाप के घर से तो नहीं दिया, सरकारी नौकरी दी, तो विश्वास है कि नौकरी देंगे। दूसरी तरफ आप ये देख लो कि जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, जिनको आरक्षण मिलता है, जिनको सामाजिक न्याय के जरिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं सरकार के जरिए, ये कहते हैं कि हम तो आरक्षण ख़त्म करेंगे, हम समीक्षा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसलिए अब वो पहले बुलवाते हैं नीचे वाले लोगों से, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो हिंदुस्तान के दबे कुचले लोग नहीं चाहते हैं कि अंबेडकर का बनाया हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो बदले, और कोई भी नहीं चाहता देश के अंदर। ये लोग चाहते हैं कि एक नया कानून बने जिसमें वो नागपुर की पॉलिसी और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके लिए जनता तैयार नहीं है, दो बड़े एजेंडे हैं। फिर जो हम लोग कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, हम लोग कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली देंगे, 1 लाख रुपया रक्षाबंधन से शुरू करेंगे हम लोग, महिलाओं को जो गरीब महिलाएं हैं उनको बच्चे पालना है, गरीब पालना है, गरीब भी से ऊपर उठना है उसको देंगे। करें हमारा ही लखपति दीदी योजना, उसी को लोग ढाल रहे हैं। अच्छा, तो हमारी बात पे भरोसा कर रहे हैं, उनके पास उन्होंने कुछ दिया नहीं, तो ये विश्वास की बात होती है जनता की। जनता हमारे एजेंडा को मान रही है। हमने कहा है कि 1 लाख रुपया हम डिप्लोमा ग्रेजुएट जो भी किए हुए हैं उनके अकाउंट में देंगे बच्चों को, नौजवानों को, और उनको ट्रेंड करेंगे, उनको इस लायक बनाएंगे कि वो नौकरी में जा सके, कोचिंग करेंगे उनकी। नंबर 4 हमने कहा है कि हम जो सिलेंडर है गैस सिलेंडर 500 रुपये का करेंगे। हमने कहा है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे जो गरीबी रेखा से नीचे वाले गरीब लोग हैं उनके लिए। तो ये सब जो है ना, इस तरह की जाने कितनी योजना है, 24 वादे हम लोगों के पार्टी ने किया, फिर कांग्रेस ने किया, तो ये सब एजेंडा इम्प्लीमेंट होगा और उस पर विश्वास है लोगों को कि जब भी दिल्ली में सरकार बनी है और उन्होंने जो भी वादा किया है उसको पूरा किया है। आज विश्वास नहीं रहा मोदी पर। अच्छा, 24 में आपका भी तो कुछ विजन होगा, मधुबनी आपने घूमा होगा, गांव से लेकर के शहर तक तो घूम रहे हैं, यहाँ स्थानीय भी मुद्दे होंगे जो बड़े प्रोजेक्ट के काम होंगे, तो आपका विजन क्या है? मैं अपनी तरफ से 11 एजेंडे तय कर रहा हूँ मधुबनी के लिए, 11, और वो मैं बहुत जल्द उसको लाऊंगा आम लोगों के सामने कि अगर सांसद बने, सरकार बनती है, तो उन 11 एजेंडा को मैं पूरा करूंगा। इसलिए कि ये जो अभी एमपी है, पिछले 3 मर्तबों से कमल खिल रहा है मधुबनी में, मैंने तो ऐलानिया कहा कि अगर एक प्रोजेक्ट भारत सरकार से कोई नया ला करके लगाए होंगे ये लोग तीन टर्म में 15 साल, उसमें 10 साल मोदी सरकार है, तो हम अपना जो दिया है नॉमिनेशन वापस ले लेंगे, मैंने कहा है। लेकिन आप जानते ही हो, आप दरभंगा के प्रेस वाले हो, आप बड़ी रेल लाइन देखो, पासपोर्ट ऑफिस देखो, कस्तूरबा गांधी NIOS, इग्नू मानू केंद्रीय विद्यालय, बहुत कुछ आया। और यही नहीं, हम मधुबनी के तो MP नहीं थे, लेकिन यहाँ के सभी प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मैंने बनवाया। यहाँ हमने नवोदय विद्यालय की बिल्डिंग नहीं थी, उसका फाउंडेशन किया, वो बन के तैयार हो गया, आज बच्चे उसके अंदर रह रहे हैं। मैंने केंद्रीय विद्यालय दिया जब हम मंत्री थे तभी, और ये पिछले कितने साल हो गए, 10-15 साल रहे ये लोग, उसको ज़मीन नहीं दिला पाए। तो ये तो सिर्फ इनको MP बना दो, जाके दिल्ली बैठे ऐश करें, और मैं तो एजेंडा दूंगा, उसको इम्प्लीमेंट करूंगा।
धन्यवाद। 11 एजेंडे पर इस बार मोहम्मद अली अशरफ फातमी चुनाव मैदान में है, 11 एजेंडे को लेकर के। लेकिन सवाल एक ये है कि क्या इस बार मोहम्मद अली अशरफ फातमी को जितना जनसमर्थन मिल रहा है वो अशोक यादव के 4,54,000 मतों से कितना ऊपर आ जा सकता है? ये एक चुनौती भी है, और ख़ासकर यहाँ पर महागठबंधन के जितने राजनीतिक दल के नेता हैं वो इस बार एकजुट हैं। देखिए, यही मंच पर सभी लोग हैं, ये सभी यहाँ के जो लीडर्स हैं ये सभी लोग मदद कर रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि इस बार का चुनाव एक प्रतिष्ठा की भी लड़ाई है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब।